मैथ्स एक्सप्रेस बुक क्लास 7 का डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर है उसी चैप्टर से हम एक्सरसाइज 17.3 का जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, फिर भी एक सब्सक्राइबर ने बहुत रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन में ये बार डायग्राम दिया हुआ है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। बहुत ही ईजी है, जब भी हमें ऐसे बार डायग्राम देंगे और उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसमें से जो भी आंसर बनेगा उसको लिख देंगे, यही होगा प्रोसेस। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब ये जो बार ग्राफ है इसको देखकर हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन ए में दिया है व्हिच क्लास हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, मतलब कौन सी क्लास में हाईएस्ट एब्सेंटी है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ए का आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे ये बार ग्राफ को देखकर। इसमें जिसका बार जो ग्राफ होगा जिसका ज़्यादा लंबा होगा वही इसका आंसर होगा, मतलब हाईएस्ट एब्सेंटी किस में होगा ये पूछा है। तो नंबर ऑफ एब्सेंटी इस तरफ दिखा दे रहा है और इस तरफ क्लास दिखाई दे रहा है, तो क्लास होगा 8 एंड ये जो 8 का क्लास है इसमें ज़्यादा एब्सेंटी होगा क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है। तो हम इधर लिखेंगे 5, 6, 7, 8 ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटी प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास कौन सी क्लास में हाईएस्ट है 8 में, तो इधर हम लिख देंगे 5, 6, 7, 8 ऐसे लिख देंगे। ऐसे भी अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिखकर ऐसे 8 लिख सकते हैं। इन दोनों मेथड से किसी एक मेथड को ही फॉलो करना है। तो क्वेश्चन बी में क्या दिया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन बी में ये पूछा है कि व्हिच क्लास हैड द लीएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटी, मतलब ये जो बार ग्राफ है इसमें सबसे छोटा जिसका ग्राफ होगा वही होगा लीएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटी। तो लीएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटी क्या मिलेगा हमें, क्लास 10 में मिलेगा क्योंकि 10 का ग्राफ बहुत छोटा है। तो उसका आंसर हम लिख देंगे आंसर क्लास इक्वल टू 10 ऐसे लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन सी में ये पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर एबसेंट इन द क्लास 7, 7 में कितना स्टूडेंट एबसेंट है। तो ये हो गया 7, 7 जो क्लास है इसको अगर हम इस साइड से, मतलब ये जो इसको वाई एक्सिस कहते हैं और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, तो वाई एक्सिस के साथ जब हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली हम इसको मिला देंगे, मतलब देखेंगे तो ये किसके साथ मिल रहा है, 5 के साथ मिल रहा है, मतलब कितना स्टूडेंट क्लास 7 में एब्सेंट है ये पूछा है। तो ये कहाँ होगा, ये अगर हम देखेंगे तो इधर होगा 5 स्टूडेंट। तो सी का आंसर हम डायरेक्टली लिख देंगे, सी आंसर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स ऐसे लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। 2 बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी सेम क्वेश्चन ए में ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स, 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया। तो ये हो गया स्कोर, 15 इधर है, तो ये जो 15 का बार ग्राफ है इसका टॉप साइड से जब हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे इसका टॉप और ये जो 6 है 6 पॉइंट से मिल रहा है, मतलब एक लाइन में है दोनों, तो टोटल कितना स्टूडेंट होगा, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ए का आंसर होगा 6 स्टूडेंट, तो आंसर ए लिखेंगे, ए का आंसर लिखेंगे 6 स्टूडेंट। क्वेश्चन बी, व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जब भी हमें मोड फाइंड करने के लिए देंगे ऐसे बार ग्राफ देकर, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जिसका हाइट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिस बार का हाइट सबसे ज़्यादा होगा वही होगा मोड वैल्यू, मतलब ये हो गया मोड। तो मोड इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 20 होगा इसका मोड वैल्यू, तो हम लिखेंगे मोड इक्वल टू 20। क्वेश्चन सी में ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स स्कोर 10 मार्क्स कंपेयर्ड विथ दोज हु स्कोर 5 मार्क्स,
अगर 5 मार्क्स स्कोर जितना स्टूडेंट ने किया उसके साथ अगर हम 10 मार्क्स स्कोर करने वाला स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे तो कितना निकल के आएगा आंसर, वही पूछा है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन। तो सी का सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स स्कोर्ड इक्वल टू कितना मिलेगा, ये हो गया 5 मार्क्स, ये एक ऑब्जर्वेशन है तो इसके अगेंस्ट कितना वैल्यू है 3, तो 3 स्टूडेंट्स लिखेंगे, 3 स्टूडेंट्स। अगेन हम लिखेंगे 10 मार्क्स, 10 मार्क्स स्कोर्ड इक्वल टू 10 मार्क्स ये है तो इसके अगेंस्ट कितना वैल्यू है, इसके अगेंस्ट वैल्यू है 5 स्टूडेंट्स। अभी हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस इक्वल टू 5 माइनस 3 कर देंगे, मतलब जो 10 मार्क्स स्कोर किया था उसी वैल्यू से 5 मार्क्स जितने स्टूडेंट ने स्कोर किया था उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 2, तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 स्टूडेंट्स। तो ये होगा इसका आंसर। अगर आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 more students scored 10 marks compared with those who scored 5 marks, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स एक्साइज पॉपुलेशन एग्जामिनेशन प्रोबेबिलिटी यूजिंग द डबल बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें पहले डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन दिया है ABC इसका आंसर करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, तो हम पहले क्या करेंगे क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, पहले हम लिखेंगे इधर वर्ड्स, इधर लिखेंगे वॉवल्स, इधर लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसमें हमें ये जो वर्ड्स है वर्ड्स को लिखना है। तो हमें ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा वर्ड वॉवल्स कॉन्सोनेंट, मतलब एक्सरसाइज जो वर्ड है इसमें वॉवल कितना आएगा कॉन्सोनेंट कितना आएगा, इन द सेम वे पॉपुलेशन वर्ड में वॉवल कितना आएगा कॉन्सोनेंट कितना आएगा उसको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, मान लो एक्सरसाइज वर्ड को ऐसे लिखेंगे एक्सरसाइज, तो इसमें हम वॉवल कॉन्सोनेंट को फाइंड करेंगे। तो ई एक वॉवल हो गया, फिर से ई एक वॉवल हो गया, आई एक वॉवल हो गया, ई एक वॉवल हो गया, तो कितना कट गया है 1, 2, 3, 4, तो इधर लिखेंगे इसमें एक्सरसाइज वर्ड में 4 वॉवल्स है। अभी कॉन्सोनेंट कितना रह गया है 1, 2, 3 और ये हो गया 4, तो 4 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड्स एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के लिए सेम करेंगे, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऐसे लिखेंगे, तो ये ओ हो गया एक वॉवल, यू हो गया एक वॉवल, ए नेक्स्ट, आई नेक्स्ट, ओ, तो उसमें अगर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वॉवल्स इक्वल टू 5 मिलेगा, कॉन्सोनेंट कितना होगा 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, तो कॉन्सोनेंट हो गया 5। तो हम इधर लिखेंगे पॉपुलेशन वर्ड में वॉवल 5 है, कॉन्सोनेंट 5 है। अभी हम एग्जामिनेशन वर्ड के लिए करेंगे एग्जामिनेशन, तो उसमें हमें वॉवल कॉन्सोनेंट फाइंड करना है, ये एक वॉवल हो गया, ये एक वॉवल, आई एक वॉवल, ए एक वॉवल, आई अगेन ओ, तो कितना मिल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉवल्स मिल गया। अभी कॉन्सोनेंट कितना मिलेगा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 इसमें कॉन्सोनेंट मिलेगा। तो अभी हम इस डाटा से हम इसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल होगा। पहले हम इसे y एक्सिस को लिखेंगे, मान लो ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस, इधर हम ऐसे लिख सकते हैं x एक्सिस और इधर लिख सकते हैं y एक्सिस, ऐसे एरो मार्क देना पड़ेगा, सेटिंग पॉइंट O है। तो इक्वल डिस्टेंस पर हम यहाँ से ये जो O है O से इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्क करेंगे, ये हो गया 1, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 से 7, टोटल इसमें कितना हाईएस्ट वैल्यू है 7, तो 7 तक लिखने से ही इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब सॉल्व हो पाएगा।
तो उसमें हम इस साइड में हमें कितना लेना पड़ेगा ऐसे यूनिट, चार लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है टोटल। 4 मतलब 8 होगा क्योंकि डबल बार ग्राफ है ये, तो 4 ऑब्जर्वेशन है, डबल हो जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। मतलब ऐसे करेंगे, मान लो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे लेना पड़ेगा। तो नीचे हम लिखेंगे वर्ड्स, तो इस तरफ एरो मार्क लगाएंगे, तो इस तरफ हम लिखेंगे वर्टिकली लिखेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, इधर लिखेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, तो ऐसे एरो मार्क देना है। तो इस तरफ हम लिखेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, अगर आप चाहे तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरफ होगा वर्ड्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू हम लिखेंगे 1 लेटर, 1 यूनिट की अगेंस्ट 1 ही लेटर होगा, ऐसे हम लिख देंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबरिंग करेंगे, 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा, 6, 7 तक हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी पहले हम एक्सरसाइज वर्ड को लेंगे, तो इधर हम लिखेंगे एक्सरसाइज वर्ड को, ऐसे लिख देना है एक्सरसाइज, ऐसे लिख देना है। उसकी बाद पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉवेल को लेंगे, पहले वॉवेल को लेंगे, वॉवेल कितना है, 4 है, तो यहाँ तक आएगा, और कॉन्सोनेंट भी 4 है, तो हमें ऐसे ड्रॉ कर देना है, ये हो गया वॉवेल और ये हो गया कॉन्सोनेंट। ये जो एक्सरसाइज वर्ड है, एक्सरसाइज वर्ड का ये हो गया वॉवेल एंड ये हो गया कॉन्सोनेंट, तो इसको ऊपर हमें ज्वाइन कर देना है, और दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को ऐसे अगर हम चाहे तो कलर कर सकते हैं, ऐसे काला कर देंगे। नेक्स्ट इसमें 1 यूनिट हमने छोड़ दिया, फिर इधर भी 1 यूनिट छोड़ देंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में क्या दिया है, पॉपुलेशन, तो इधर लिखेंगे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में कितना है, 5, तो यहाँ तक जाएगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक जाएगा। तो पहले हम भावेल का जो बार ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे, ये हो गया वॉवेल और इसके साथ रहेगा कॉन्सोनेंट, क्योंकि इधर हमने लिख दिया है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स, तो उसको हमें ज्वाइन कर देना है, तो ऐसे इसको हमें कलर कर देना है। नेक्स्ट हमें लिखना है एग्जामिनेशन के लिए, तो इधर हम फिर से 1 यूनिट छोड़ेंगे, इधर लिखेंगे एग्जामिनेशन, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 6 लेटर्स है वॉवेल्स का, तो पहले हम इसमें वॉवेल्स के लिए 6 तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ ये हो गया 6, एंड कॉन्सोनेंट के लिए हम 5 तक जाएंगे, तो 5 यहाँ बन जाएगा। तो इसको अभी हमें जोड़ देना है रूलर की मदद से, ऐसे, तो इसको कलर कर देना है। नेक्स्ट ये छोटा हो गया है, थोड़ा हम इसको इंक्रीज कर देंगे, इसका लेंथ हम इंक्रीज कर देंगे, ये हो गया एक्स, तो 1 यूनिट ये बन गया। नेक्स्ट हमें और 2 यूनिट लेना पड़ेगा, 2 यूनिट से ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में दिया है इसमें प्रोबेबिलिटी, इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के लिए कितना है, वॉवेल्स में है 4, तो इधर हम 4 तक लेंगे, 4 कहाँ तक होगा, यहाँ तक, तो ये हो गया 4, तो इसको जोड़ देना है। एंड कॉन्सोनेंट के लिए कितना होगा, 7, तो 7 के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो कॉन्सोनेंट क्या होगा, लगभग यहाँ तक हो जाएगा उसका वैल्यू। यहाँ तक, तो इसको हम ऐसे कॉन्सोनेंट को ऐसे कलर कर देंगे, ये हो गया इसका बार ग्राफ।
तो पहले हमने क्या लिखा है, एक यूनिट के लिए एक लीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, एक यूनिट का मतलब एक लीटर है। नेक्स्ट हम इधर ऐसे दो छोटा छोटा बार ग्राफ लिखें ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो एक को ऐसे व्हाइट रखेंगे, दूसरी को ऐसे कलर कर देंगे, और इसके अगेंस्ट हम लिख देंगे ये जो व्हाइट वाला है ये वॉवेल्स होगा, वॉवेल्स, और ये जो कलर वाला है ये कॉन्सोनेंट होगा, ऐसे लिखना है, तो ऐसे हम लिख देंगे। इस क्वेश्चन में और तीन क्वेश्चन हैं, तो बार ग्राफ को देखकर हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इधर ही हम करेंगे क्वेश्चन ए। ए में ये दिया हुआ है कि व्हिच वर्ड्स हैव द सेम नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो इधर हमने देखा कि ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एंड पॉपुलेशन, इन दोनों वर्ड में इधर पैरेलल हो रहा है, मतलब वॉवेल एंड जो कॉन्सोनेंट है दोनों पैरेलल हो रहा है। तो इधर अगर हम टेबल में देखेंगे तो दोनों में भी सेम ही वैल्यू है, तो ए का आंसर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ए आंसर एक्सरसाइज एंड पॉपुलेशन, एक्सरसाइज एंड पॉपुलेशन। बहुत सिंपल है, जस्ट देखना है और लिख देना है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की बात नहीं है। क्वेश्चन बी में ये पूछा है, इन व्हिच वर्ड इज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हाइएस्ट देन द वॉवेल्स एंड बाय हाउ मच, मतलब कौन सी वर्ड में कॉन्सोनेंट ज़्यादा है, वॉवेल से कितना ज़्यादा है, ये पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा है, तो इधर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो इधर लिख देंगे बाय थ्री कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स लेटर्स, मतलब तीन कॉन्सोनेंट लेटर से ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेटर है वॉवेल्स लेटर से, मतलब वॉवेल लेटर इसमें फोर है, कॉन्सोनेंट सेवन है, तो सेवन से अगर हम फोर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे आएगा तो कितना आएगा, थ्री आएगा। क्वेश्चन सी, व्हिच वर्ड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉवेल्स, किसमें वॉवेल ज़्यादा है, जस्ट हमें टेबल को देखना है और लिख देना है। तो एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसमें वॉवेल ज़्यादा है, तो हम सी का आंसर लिख देंगे एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, बहुत सिंपल है, जस्ट हमें टेबल को देखना है, और अगर हम चाहे तो बार ग्राफ को भी देख सकते हैं, इसको देखकर इसका वैल्यू लिख देना है। ये हो गया इस चैप्टर का सॉल्यूशन।